बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एम आर न्यूज़। मैं हूँ कदर तनवीर। सिंध के सरकारी कॉलेजेस में तालिबात को मोटरसाइकिल चलाना सिखाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक महकमा कॉलेजेस सिंध ने सरकारी कॉलेजेस से मोटरसाइकिल चलाने की ख्वाहिशमंद तालिबात की फहरिस्त मांग ली। महकमा कॉलेजेस सिंध के मरासले के मुताबिक सिंध वुमेन डिवेलपमेंट के इश्तराक से कॉलेजेस से तालिबात को मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब सिंध वुमेन डेवलपमेंट हुकाम का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत का मकसद ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाना है। अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन को कतल करने की नाकाम साजिश में मुलव्वस ईरानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 45 बरस का शहरामपुर सफ़ी मुबैना तौर पर जनरल कासिम के कत्ल का बदला लेना चाहता था। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीका ने जनवरी 2020 में ड्रोन हमले का निशाना बनाया था। वो ईरान के इनकलाबी गार्ड के कमांडर थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कौमी सलामती के साबिक मशीर जॉन बोल्टन को कत्ल करने का मंसूबा बनाने वाले पोर सफ़ी का ताल्लुक भी ईरान के इनकलाबी गार्ड से है। कराची के इलाके कायदाबाद के तोहीद मोहल्ला में घर में डकैती की वारदात हुई, जिसमें 7 मुसल्ला मुलजिमान घर से 56 लाख रुपये नकद और 2800 सोना लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात का मुकदमा कायदाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सुबह सवेरे खातून ने दरवाज़ा खटखटाया और 6 मुसल्ला मुलजिमान घर में दाखिल हुए। डाकुओं ने वालिदा की तिजोरी से 33 लाख रुपए नकद, 3 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड लूट लिए, जबकि वालिदा से 5.5 तोला सोना और लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी ले गए। इसके अलावा मुलजिमान दूसरी मंजिल पर भाई से 4.5 तोला सोना, लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल ले गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रॉयल मिलिट्री अकेडमी में बतौर मेहमान खसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ दौरे में बरतानवी फौजी क्यादत से मुलाकात भी करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस की शरह में इजाफा हो गया। कौमी इदारा ब्राय सेहत की जानिब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3.10% रिकॉर्ड की गई, जबकि एक शख्स कोरोना से इंतकाल कर गया। जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए 11,388 टेस्ट किए गए, जिनमें से 353 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान कंजा तनवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।